25वें कारगिल विजय दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवानों ने त्याग और तपस्या से अपने प्राणों का बलिदान कर भारत को विजय दिलाया और पाकिस्तान की सेना को हराया। ये दिवस भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। आज मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। हम उन सभी को याद करते हैं और नमन करते हैं। मैं हमारे वीर जवानों को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक हज़ार नौ सौ निन्यानवे में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल की युद्ध हुई थी उसमें हमारे वीर जवानों ने बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही त्याग और तपस्या से, शूरता से उन्होंने बलिदान करके भारत को विजय दिलाया, पाकिस्तान को, सेना को हराया। और ये दिवस भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज मैं पश्चिम कमांड की इस केंद्र में जो कारगिल में बलिदान हुए जो सैनिक है, हमारे देश के, भारत के जो है मातृभूमि के समर्पण के लिए जिन्होंने बलिदान हुआ न्यौछावर किया है, वैसे सुपूतों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हूँ। और मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत अत्यंत गर्व का भी विषय है। वैसे ही आज सारा देश और सभी भी हमारे वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों को भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते, उनको भी हम याद करते, उनको देखभाल भी करना समाज का भी, सरकार का भी काम है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आज भारत की सेना हमारे कोई भी देश तिरछी नज़र से अगर भारत के ऊपर देखेगा तो भारत की सेना आज बहुत नवीनतम तकनीकों के साथ आज जैसे कारगिल में विजय प्राप्त किया है पाकिस्तान को हरा के, वैसे ही वैसे शक्तियों को भी सबक सिखाने के लिए आज मोदी जी की सरकार में सेना पूरा तैयारी है, ऐसा पूरा विश्वास दिखता है। इसलिए और एक बार मैं हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।